नमस्कार साथियों, एक और फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जी हां दोस्तों, चैनल के माध्यम से आपको भर्तियों से जुड़ी हर अपडेट या सबसे पहले देखने को मिलती है। तो सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी अपडेट निकल कर आ रही कि काफ़ी लंबे समय के बाद 9000 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। और आपको बता दें कि अब इंतज़ार है ख़त्म हो चुका है, और ये कौन सी भर्ती है, कितने पदों पर की जा रही है और आवेदन कब से कब तक लिए जा रही है, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे ही भर्ती से जुड़ी अपडेट सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं क्या पूरी अपडेट। और जी हाँ साथियों, देख सकते हैं कि IBPS के अंदर 9995 पदों पर वैकेंसी और सैनिक स्कूल टीचर के पदों पर भर्ती निकली है। और आपको बता दें कि अब इंतज़ार है ख़त्म हो चुका है, IBPS के अंदर ये भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई है। और आपको बता दें कि सैनिक स्कूल में भर्ती की बात करें तो ये 14 पदों पर भर्ती निकली है, और अंतिम तिथि की बात करें तो 14 जून तक आवेदन लिए जाएंगे। और वहीं IBPS के अंदर देश के विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ग्रुप ए और बी पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके अंतर्गत ऑफिसर स्केल 1 और 2 और 3 व ग्रुप बी के पदों में जैसे ऑफिस असिस्टेंट पर भर्ती की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल, आपको बता दें इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और इसमें मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट के 5585 पद है, और ऑफिस स्केल फर्स्ट की बात करें तो 3499 पद, और ट्रेनिंग मैनेजर स्केल की बात करें तो सेकंड के 21, और ऑफिसर स्केल थर्ड की बात करें तो 129 पद शामिल है। टोटल पदों की बात करें तो 9995 पद है, और अंतिम तिथि की बात करें तो 27 जून तक आवेदन लिए जाएंगे, और फीस है जो ₹850 रखी गई है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री या CA और LLB की डिग्री होनी चाहिए, और न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 से 40 तक तय की। आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु की छूट दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और जानकारी अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।